Where are you from? सिंगापुर। ओके नाइस। मतलब एक घर को ही चार टुकड़ों में बांटा गया है और इस तरीके से रेंट होता है। अब ये सिंपलीफाइंग किया है तो रेंट ये है। ये सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया कि इंसान को साला खुद के फायदे के लिए, मतलब जान की तो कोई परवाह ही नहीं है किसी की। मोस्ट एक्सपेंसिव नेबरहुड की बात हो और कैंटोन रोड ना दिखाओ, ऐसे हो ही नहीं सकता। बिकॉज ये हांगकांग का ही नहीं, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव नेबरहुड है। और इनफैक्ट ये स्ट्रीट में ना जैन देरासर भी है। जी हाँ, जैन टेम्पल भी है। तो जाहिर सी बात है, हर चीज़ अच्छे से होती है हांगकांग में और मैं देख भी पा रहा हूँ, हर चीज़ सिस्टमेटिक बनाई गई है। काफ़ी खुशी हुई, सच कह रहा हूँ, दिल खुश हो गया। तो गाइस, पिछले कई वीडियोस जो हांगकांग के जो मैं दे रहा हूँ आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उसमें आपने बड़ी बड़ी इमारतें देखी, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है ना, एकदम एक से एक अट्रैक्शन से, क्लीनलीनेस है, मतलब पैसा ही पैसा, लग्जरी है ना। अगर मैं कहूँ कि इसका एक दूसरा साइड भी है तो जी हाँ, हर देश में दोनों साइड होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ चला है। बहुत कम देश होते हैं या फिर बहुत कम जगह होती है जिधर सिर्फ एक ही चीज़ें आपको मिलती है। तो हांगकांग की जो पॉवर्टी है या फिर जो छोटे छोटे घर है, जो होमलेस पीपल है, कैसे रहते हैं, कितनी तकलीफें सहते हैं गरीब लोग वगैरह, तो ये वीडियो में मैं आपको अदर साइड यानी कि डार्क साइड ऑफ हांगकांग दिखाने की कोशिश करूंगा। तो इस वक्त मैं आ गया हूँ मॉन्गकॉक स्टेशन, जो कि दो मेट्रो स्टेशन दूरी पर है मेरे, और यहाँ पे पहुँचते ही वेट कर रहा हूँ एक गाइड का जो कि लोकल है यहाँ का, जो मेरे को ये टूर कराएगा। तो ये है लोकल यहाँ के हांगकांग के जो टूर गाइड कराने वाले है आज का, आइजैक जी। या श्योर, थैंक यू। एंड ये है हमारी को क्या बोलते हैं, जैसे कि मैं टूर कर रहा हूँ वैसे ये भी करे। वेयर आर यू फ्रॉम? सिंगापुर। ओके नाइस। अरे बाप रे, यहाँ पे ये लोग गोल्ड फिश ऐसे सेल करते हैं। गोल्ड फिश खाने के लिए नहीं यूज़ करते हांगकांग वाले, अपने घर में रखने के लिए यूज़ करते हैं। बिकॉज चाइनीज़ में मान्यता होती है कि गोल्ड फिश घर पे पैसा लाती है। लेकिन मेरे को जो इन्होंने बताया ना इनकी स्टोरी, बहुत बेकार दिमाग ख़राब हो गया कि इन लोग के पास जगह नहीं होती है, बहुत छोटी छोटी स्पेस रहती है, तो इनके पास कंटेनर नहीं रहते जैसे कि बड़े बड़े शॉप्स के पास रहते, तो ये लोग ऐसे प्लास्टिक के बैग में डालते हैं। ठीक है, अभी जो प्लास्टिक के बैग में है ना, ऑक्सीजन केवल 3 दिन या 2 दिन का ही होता है। तो अगर जो मछलियाँ नहीं बिकी वो ऐसी ही रहती है अंदर और मर जाती है, और ये लोग फिर फ्लश कर देते हैं। ओनर के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वापस ऑक्सीजन पंप करें नया ऑक्सीजन, और वो लोग इतना वो बिजी रहते हैं कि मतलब मरने दो मछलियों को, चलेगा हम नया स्टॉक लाएंगे, जो बिके वो बिके, जो नहीं बिके वो मरेगी। ये सुन के मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि इंसान को साला खुद के फायदे के लिए, मतलब जान की तो कोई परवाह ही नहीं है किसी की। These are too much for to afford. So no one will gonna buy that, like $148 and all. They will buy, what's the space? Space, yeah, yeah, yeah. People should have container, big container. Yeah. So they will die in 3 days? Yes. My God. Why they keep in plastic bag? Is there any substitute? So you don't need to waste a lot of money to get the container, you know? अब तक मैं ये तो समझ ही गया था कि इनके लिए जान की परवाह है ही नहीं पंछियों की या फिर प्राणियों की। ये मैं सिर्फ मछलियों को देखकर नहीं कह रहा हूँ, इस वक्त मैं आ गया हूँ एक बर्ड मार्केट में, जहाँ पे तरह तरह के बर्ड्स पिंजरे में कैद है। हालांकि ये तो हर देश में होता है, हांगकांग में नहीं, हमारे देश में भी है, इनफैक्ट मुंबई में भी है। लेकिन इनकी जब स्टोरी सुनी ना 1997 में, जब हांगकांग में बर्ड फ्लू हुआ था और वो दुनिया का पहला केस था, तब हांगकांग के सरकार ने यहाँ के 1.5 मिलियन पंछियों को मरवा दिया था, चाहे वो चिकन हो कि कोई भी बर्ड हो। और ये सिलसिला 2 से 3 बार किया गया हांगकांग में। तब मुझे रियलाइज हुआ एक बात, जैसी करनी वैसी भरनी, ये आपको आगे पता चलेगा वीडियो में। जस्ट इमेजिन इफ वी आर लिविंग इन अ जेल, दे आर टू, या मीन्स इन इंडियन, मीन्स इन इंडियन करेंसी अराउंड 5 करोड़ रुपीस का इधर छोटा सा 2 BHK है। yes. ये कावलून एरिया में। They have the kitchen right next to the toilet. Oh my God, ऐसे घर? Yes. क्योंकि जगह है नहीं इनके पास, तो देखो हांगकांग में घर इस हिसाब से लोग भी रहते हैं। क्योंकि जगह नहीं है और इतना भाड़ा ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। 1 BHK का भाड़ा यहाँ पे 17,000 हांगकांग डॉलर है। 17,000 हांगकांग डॉलर मतलब तकरीबन 2 लाख इंडियन रुपीस। और यहाँ पे हांगकांग में एवरेज इनकम इतनी है नहीं, जिसकी वजह से फिर वो लोग पार्टीशन कर देते घरों को, 4 में डिवाइड कर लेते, 3 भाग में डिवाइड कर लेते, उसमें अपना टॉयलेट ने किचन अलग से बना के
फिर रहते हैं, मतलब इस हिसाब से लोग रहते हैं। दिस रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स द रेट्स आर हियर। अच्छा, स्क्वायर फीट राइट? Square foot, 530 square foot. Okay. So it's 6.8 million Hong Kong dollars. अच्छा, यानी कि तकरीबन 7 crore रुपया हो गया 530 square feet का. It's better because it got 2 bedroom and 2 living room. Okay. So about this one is 450 square foot, 2 bedroom, 1 living room, and then it's $7 million. Why this is expensive, and this is location. New home. But remember, all of this is this kind of old building. Average buildings. Yes. Okay. So after that, we're gonna show you a real subdivided unit. So yeah. रियल यूनिट देखने में मजा आएगा, समझ में आता है। सब्लीफाइंग मतलब एक ही घर को 4 से 5 भागों में कर दिया डिवाइड, क्योंकि एक घर ही भाड़े पे किसी को चढ़ाएगा तो भाड़ा वाला मिलेगा ही नहीं, इतना भाड़ा देने की ताकत हर एक के पास नहीं रहती है। तो ओनर ही क्या करता है, 4 से 5 भाग कर देता है, ताकि के फिर हर भाग को वो अलग अलग रेंट पे चढ़ा सके। ये जो बिल्डिंग है आपको दिख रही है ना, ये सब इलीगल है, मतलब 5 माले के ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन है सब इलीगल है, बिकॉज उसके ऊपर बनाई गई है और इसमें कोई लिफ्ट नहीं है, क्योंकि 5 माले तक बिल्डिंगों में लिफ्ट नहीं बनाते थे ये लोग। ये World War II से भी पुरानी बिल्डिंग है, और ये उनके घर है जिनकी इनकम लोअर क्लास में आती है, मतलब लोअर लेवल की इनकम रहती है ना, उससे कम जो भी है ये उनके घर है। तो ये भाई साहब हमें ये घर में लेके आए हैं, बेसिकली अभी तो ऑफिस है इनका, ये घर में लेके आए। ये सब्लीफाइंग हाउस है, जो कि आप देखो तो दीवार भी वैसी है, मतलब एक घर को ही 4 टुकड़ों में बांटा गया है, और इस तरीके से रेंट होता है। अब ये सब्लीफाइंग किया है तो रेंट ये है, मतलब फिर भी इंडियन करेंसी में 70,000-65,000 रुपया हो गया मंथली का। अब ये स्क्वायर फीट की बात करो तो 100 square feet का है, जिसमें बेड रहते हैं, माँ बाप नीचे सोते हैं, बच्चे ऊपर सोते हैं, बाथरूम इधर रहता है, यू नो शावर ऐसे इधर ही करने का, किचन सामने रहता है। इस तरीके से परिस्थिति में लोग रहते हैं। 7 million हांगकॉन्ग की पॉपुलेशन है, जिसमें से 5 लाख लोग अकॉर्डिंग टू डेटा ऐसे रहते हैं। वो डेटा के हिसाब से है, मतलब 7 लाख लोग रहते हैं, आई मीन कह सकते हैं कि 10% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स लाइक दिस इन हांगकॉन्ग। अपन को लगता है ना, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, ये टूर लेने का मकसद ये था कि अपने को लगता है कि भाई हांगकांग है ग्लिटर तमक जमक, इतना दिन से अपन देख ही रहे हर चीज, लेकिन नहीं, ये देख लो बॉस, ऐसे सिचुएशन में भी पब्लिक सर्वाइव करती है। तो अपन जिधर है ना, बहुत सुखी है भाई, सच कह रहा हूँ, इतना ग्लिटर में बहकने की कोई जरूरत नहीं है। इस तकलीफों से भी लोग गुजरते हैं हांगकांग जैसी जगहों में भी। Because usually the people just focusing on the major construction, like the theme park. On the shiny part. Shiny part. Never get into the real part. This is the realistic of Hong Kong people. They want how people living in the city. Correct. So this is the China. Oh, thank you so much, Isaac. It was a great tour. Thank you so much. Okay, thank you so much, Eiling. It was nice to know you. Wish you have enjoy your stay. Yeah. Thank you so much. Bye. All Indian people. चाइना में है ना, लोग गोल्ड ज्वेलरी कम पसंद करते हैं, डायमंड वगैरह स्टोन्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे को गोल्ड की काफ़ी सारी आइटम्स दिख रही है। इनफैक्ट आप देखोगे ना पेंडल वगैरह, ये आप देख रहे हो पिगी गुड लक मानते हैं चाइनीज लोग इसको, इसलिए इस हिसाब से भी पेंडल है। और उस तरफ है ये जो आप देख रहे हो भीड़, ये मतलब बाइबल को प्रमोट करने वाली पब्लिक है। मेरे को बोल रही थी कि आ जाओ संडे को यहीं पे हो तो आ जाओ एक मीटिंग में, मस्त करेंगे अच्छा सा बाइबल का प्रचार ये वो, बोला हाँ ठीक है जय सिया राम, और मैं निकल गया। कुछ जगहों की वाइब्स ही अलग होती है, सच कह रहा हूँ। ये देखो ये रेस्टोरेंट, ऊपर बैठना है तो गुड डे में बैठो, नीचे बैठना है तो बैड डे में बैठो, वहाँ पे मामा डे, सही है सब। मेरे हिसाब से जिसका दिन खराब चल रहा है तो बैड डे में बैठ जाओ, और जिसका अच्छा चल रहा है तो गुड डे में बैठो, या फिर अपोजिट कर लो तो हो सकता है आपका अपोजिट हो जाए, जो भी है समझ जाओ, मतलब आपकी इच्छा। ये 2-seater BMW कार कितनी क्यूट लग रही है ना। बाय द वे ये है वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव नेबरहुड हांगकांग का, ग्रैनविले स्ट्रीट,
जहाँ पे लग्जरी कार्स वगैरह तो है ही है, लेकिन प्रॉपर्टी के रेट्स भी बहुत अच्छे खासे है। इनफैक्ट टेस्ला कार तो मेरे को इतनी दिख रही है ना हांगकांग में, सच कह रहा हूँ। ये स्ट्रीट में इंडियंस वगैरह भी बहुत रहते हैं, मतलब इसके आस पड़ोस में, शिमशाशुई इलाके के नज़दीक, ये ज़्यादा दूर है नहीं। और इनफैक्ट ये स्ट्रीट में ना जैन देरासर भी है, जी हाँ जैन टेम्पल भी है। सो ये जो ग्रैंड विलेज स्ट्रीट है ना, उसी में पड़ता है ये ग्रैंड बिल्डिंग, जहाँ पे सातवें मंजिल पर है हमारा जैन मंदिर। और यहाँ पे कोड सिस्टम रहता है, बिकॉज कोई भी बिल्डिंग आप ऐसे ही एंटर नहीं कर सकते, R2719 आपको दबाना है, R2719, तो ये खुल जाता है। ये देखो, ये इस बिल्डिंग का कोड है। यहाँ पे प्रतिक्रमण वगैरह सब होते हैं। कितनी जैन फैमिली है हांगकांग में? 350 जैन परिवार है। और ये मंदिर कितना पुराना है? 26 साल पुराना है। 350 परिवार है, तो पोजीशन वगैरह सब धूमधाम से होता रहेगा, भक्ति वगैरह। मतलब कि आप देखो यहाँ पर, मतलब भक्ति कभी भी किसी बाहर से किसी को बुलाने नहीं पड़ते, यहाँ के सारे के सारे। बहुत खूब। क्या नाम है? प्रतीक जैन। हाँ जी। राजस्थान के कहाँ? पाली डिस्ट्रिक्ट। पाली। हाँ। नाडोल पता है? नाडोल। ये डुठारिया पता है आपको? डुठारिया। डुठारिया 15 किलोमीटर दूर है नाडोल से। हाँ, सोमेश्वर स्टेशन है ना, वहाँ से 7 किलोमीटर। जो सेंटर में विराजमान है आदिनाथ भगवान, इस तरफ है पार्श्वनाथ भगवान, और ये है शांतिनाथ भगवान। सच कह रहा हूँ, मतलब बहुत खुशी हो रही है, बिकॉज आप लोगों को पता ही है कि जब मैं हिंदू टेम्पल भी जाता हूँ, रशिया वगैरह इस्कॉन टेम्पल भी जाता हूँ, तब इतनी खुशी होती है। तो सोचो, बींग अ जैन, जब जैन टेम्पल दूसरे देशों में दर्शन का अवसर मिल रहा है, तो मैं क्या ही कहूँ, मतलब मेरे खुशी का कोई है ही नहीं। दुबई में हालांकि जैन टेम्पल है, घर मंदिर है, लेकिन कभी अनफॉर्चुनेटली कभी मौका नहीं मिला जाने का। लेकिन हांगकांग में सिर्फ 8-9 मिनट बाय वॉक था मेरे हॉस्टल से, मैंने सोचा कि मेरे को जाना ही है। हर शाम 8 बजे यहाँ पे आरती होती है, अभी तो 6:30 ही बजे है, लेकिन 8 बजे आरती होती है, 9 बजे मंदिर जी के कपाट बंद हो जाते हैं, तो आप 9 बजे तक रात को दर्शन करने आ सकते हो। सुबह पूजा वगैरह सारी चीज़ें होती है, बिकॉज 350 परिवार रहते हैं जैन देरावासी, जो मूर्ति पूजक है, तो जाहिर सी बात है हर चीज़ अच्छे से होती है हांगकांग में। और मैं देख भी पा रहा हूँ, हर चीज़ सिस्टमेटिक बनाई गई है। काफ़ी खुशी हुई, सच कह रहा हूँ, दिल खुश हो गया। आज है सैटरडे नाइट, जिसकी वजह से शाम में भी ना इतनी भीड़ मिलेगी ना आपको, ओए होए होए। मोस्ट एक्सपेंसिव नेबरहुड की बात हो और कैंटोन रोड ना दिखाओ, ऐसे हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये हांगकांग का ही नहीं, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव नेबरहुड है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्ट्रीट है रियल एस्टेट के मामलों में वगैरह में, क्या ही बोलूँ। मतलब स्क्वायर फीट की बात करूँ तो लाखों से डील होती है, मतलब लाखों में चालू होता है पर स्क्वायर फीट का। एनीवेज ये स्ट्रीट खास इसलिए भी, बिकॉज जितने ब्रांड्स हैं ना इंटरनेशनल लेवल के, सारे ही मिलेंगे आपको। हार्बर सिटी मॉल भी है उस तरफ, जहाँ से फेरी आ जाती है मकाऊ वगैरह के लिए, और ये स्ट्रीट पे सारे ब्रांड्स मिलेगी आपको। चैम्प कौन सी ब्रांड है पता नहीं, पहली दफा देख रहा हूँ, बाकी जबरदस्त है, मतलब लाइनें लगी है इतनी बकायदा। इस वक्त रात के बजे है 10:15, और ये जो स्टार फेरी सर्विस है ना, रोज़ रात को 11:30 बजे तक रहती है,
और $6.5 लगाती है एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने के लिए। हम कावलून में रुके हैं, चिमशाशुई कावलून में है, और वो जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये है हांगकांग आइलैंड, मेन आइलैंड, ठीक है। तो उस तरफ जाना है, मान लो लैंग्क्वाई फोंग जाना है नाइट लाइफ के लिए, या फिर मान लो दूसरी जगह जाना है वांचाई। दो जगह जाती है स्टार फेरी, एक जाती है वांचाई इस तरफ है, और उस तरफ है ना वो जो आय दिख रही है आपको, फिर वो साइड जाना है तो वो सेंट्रल इलाका है। तो अभी 12:30 बज चुके हैं और लास्ट मेट्रो यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पर है सेंट्रल मेट्रो स्टेशन, जो कि शिमशाशुई पहुँचा देगी। लास्ट मेट्रो है 12:49 की, तो 15-1 मिनट ही बचा है। मैं सोचा कि मेट्रो पकड़ के जाता हूँ, कहाँ टैक्सी पकड़ूंगा, पूरा घुमा के लेके जाएगी, 100 हांगकांग डॉलर तक आ जाएगा। इससे अच्छा 5-6 में काम हो रहा है तो $5-6 ही देता हूँ ना। वैसे भी मेरे को नाइट लाइफ इतना कोई करना नहीं था, एक लुक अराउंड करने आया था। सैटरडे नाइट आप देख लो इस तरीके से होता है, और मैंने भी काफ़ी चीज़ें पी, नारियल पानी पिया, पानी पिया 7-Eleven से ले लेके, बस वही किया। एनीवेज अकेला था जिसकी वजह से किया ही क्लबिंग करूँ, और बहुत थका हुआ हूँ जिसकी वजह से सिर्फ एक लुक अराउंड करना था। बस अभी हॉस्टल जाके सो जाऊँगा, चाइना में अपन करेंगे अच्छे से नाइट लाइफ, अगर अवसर मिलेगा वैसा, है ना।